अबे गांडू, दरवाजा क्यों बंद किया है? बे चाबी है, आता हूँ रुक। चोरी हुआ बिल्डिंग में कल है। हाँ साला, एक रात के लिए पार्टी क्या करने चले गए, कांड हो गया मतलब है? पानी का बिल भरा तुम? ऐसा तुम हमको ना ये घरेलू चुतिया पास दूर रखो, ठीक है? अच्छा, कचरा वाला भी नहीं आया आज, उसका क्या करें? ये कचड़ों को फायर नहीं किया तुम अभी तक? बे यार, बे यार, मोटर ठीक कराने के पैसे भी तो मांगे बंटी। सर चिंदी के गण से ना एक सिक्का नहीं निकलता, फोकट का बता रहे। जाहिल लैंडलॉर्ड मिला है। कुछ सुन रहे हो तुम? हैं? बे वो गया गांड मनाने तुम पे लगे, देखो ना भाई। ये देखो सर, पढ़ो तो इसे। ये क्या है भाई? हमको लग रहा है हमार साला फिर कटने वाला है। बे क्या बकचोदी है ये वैसे? वही तो, क्या है ये? हैं? तो मोहतरमा बोलना क्या चाह रही है बे? हैं? कुछ समझे? नहीं, समझना भी नहीं हमको। अबे साले, तुम साला वो बोर्ड एग्जाम में कीवर्ड डालने करके नहीं आए थे? नहीं आए तो थे। आए थे ना, तो यहाँ भी कीवर्ड पकड़ो ना तुम। अरे लाओ यार हमको, तो हम समझाते। क्या बकचोदी है यार ये? तो ध्यान से सुनना। हाँ, ओह हाउ द स्प्रिंग ऑफ लव रिजम्बलेट है, वसंत ऋतु के इस प्रेम को समझो। आगे लिखती है, द अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ एन अप्रैल डे। क्या बात है, ऐसा लग रहा है साला फरवरी में स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल तक तो फट ही जाएंगे मतलब है। आगे लिखती है, विच शोज ऑल द ब्यूटी ऑफ द सन। क्या समझे, मैंने सूरज के अपूर्व सौंदर्य को प्रकाशित करती है। क्या करती है? प्रकाशित, प्रकाशित करती है। एंड बाय ए क्लाउड टेक्स ऑल ऑफ इट, मैंने बारंबार कोनो मादर चोद हमारे प्यार में रोड़ा बन रहा है, और ये ठीक बात नहीं बता रहे सौर्य, समझ रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ। हाँ। इतना खाली कैसे बैठ लेते हो, मतलब कोई टैलेंट है? तुम साला आगे पढ़ो ना साले, चुपचाप आगे पढ़ो, एक मैसेज और भी है क्या? कितना भेजी बे तुमको? ऑफ टू मैक्लोडगंज विद फैमिली फॉर द वीकेंड, वुड सर्टेनली पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ विद द लव लॉन बेंटर ऑन मंडे, सी यू सून, हार्ट इमोजी, वेरी नाइस। अब सच में एक बात बताओ यार, तुम ये प्यारी नहीं है ये लड़की है? ऊपर से बंगालियों का अंग्रेजी बहुत फाड़ो होता है बे, कुछ भी कहो, देखा ना कितना खतरनाक लिखी है। क्या बोलते हो भाई? थोड़ी अंग्रेजी ना हमने भी पढ़ी हुई है। हाँ, इसी भाषा में कहते हैं, वंस बिटन ट्वाइस शाय, अर्थात दूध का जला छांच भी फूक फूक कर पीता है। एक बार कट जाए ना बेटा, तो दूसरी बार वही मुंह मारने से पहले। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा सुनाओ भाई, सुनाओ। देखो जो प्यार है ना, ये प्रायर परमिशन के साथ नहीं होता है। ऐसा ही क्या समझे? अब तो हमको देख लो, हम साला कभी खुद से लाइसेंस नहीं मांगे थे कि ये वापस ये प्यार के दलदल में घुस सकते हैं कि नहीं। क्या बात, लेकिन घुस गए ना। है 20 के हो गए भाई, 20 के, 21 अप्रोचिंग वेरी सून। भले अंदर से 40 के ना फील करते हो, लेकिन इमोशनल मेच्योरिटी नहीं आया भाई, फिसल जाते हैं, मोर ऑफन देन नॉट। क्या करें? देखो देखो भाई, हमारी फिलॉसफी बहुत सिंपल है इन मामलों में, सुनना चाहोगे तो हम भी बोल सकते हैं मतलब। अरे काहे नहीं सुनेंगे भाई, तुम ही तो हो हमारे सस्ते अपनी सर। सुनाओ सुनाओ। ठहरो साला, चाय पीते हैं, चलो एक कप। अबे चाय, क्या चाय बार लगा रखा है तुमने, किटी पाड़े में बुलाया हमको है? आओ ना यार। अबे कल का माल किधर है? ये तो रहा साले, किचन भी क्या कचरा कर रखा है यार अपना। आज कुछ तगड़ा पीते हैं ना। तुम क्या कल का बचा के रखे थे? तो साले गजब गांडू हो वैसे तुम भी, सुबह सुबह शुरू हो गए मतलब। चुपचाप से ले लो ना साले। अंकल कम डालो हमारे में साले, वो पढ़ने जाना है साले, तुम्हारा ऐसा नहीं है। हेलो भाई, माहौल बन जाए तुम्हारा तो हमको बोल देना, हम भी कुछ बोलना शुरू कर देंगे। अरे काहे नहीं, काहे नहीं, जरूर इरशाद। चलो, दुनिया में अट्रैक्टिव दिखने के लिए आदमी के पास केवल 3 एसेट होते हैं। अच्छा, शक्ल कैपिटल, औकात कैपिटल, और अच्छा आदमी कोटा। क्या बात है। शक्ल कैपिटल इज सिनोनिमस टू हैविंग ऋतिक रोशन लाइक फीचर्स, बोले तो ग्रीक गॉड।
चिकना लौंडा, मतलब हम रिलेट नहीं कर सकते, हैंडसम, मतलब उसका वो गाना सुने थे, उसी में पूरा स्कैम का वर्णन छिपा हुआ है। क्या बोलता है, हो ना है जो होना है रहेगा होके ही, होगा है जो मिल जाता है कोई, साले नशा उतार दिए तुम तो, होगा ये है जाना मैंने मिलके तुमसे ही, आई फीलिंग इट टुनाइट, आई एम फीलिंग इट टुनाइट, बैंग बैंग, नहीं होता ऐसे, तुम्हारे और हमारे शक्ल पे ऐसे बैंग बैंग नहीं होता है बेटा। तो कैसे? ये सब बच्चा लोग का चूतिया काटने का निंजा टेक्निक है, इसको अपना बाइबल मत समझो। अच्छा आगे बताइए सर। बताते हैं, आओ। अरे बताओ तो सही, बैठिए। फिर दूसरा एसेट, ये होता है औकात कैपिटल, बोले तो बच्चन, प्योर क्लास। हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बहुकाल, मैनलीनेस जो होता है, स्टेटस सिंबल। अब तुम बताओ यार, तुम्हारा लगभग कितना स्टेटस होगा? अनुमान से पी लो थोड़ा, हम भी पीते हैं। साला कौवा का नजर पाए हो बे तुम, बहुत हर्टफुल बातें कर रहे हो आज। अब तुम तीसरा एसिड सुनो, द अच्छा आदमी कोटा। वो सुने हो ना, लड़की लोग कहती है, ओ ही सच अ नाइस गाय, नेवर मेट अ पर्सन सो अंडरस्टैंडिंग, जो भी बोलो लड़का दिल का अच्छा। हमारी कहानी है, हमारी कहानी। ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड यू नो, बट डू यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड ब्रदर? सच बोलो भाई, हमसे क्या पूछ रहे, हम तो बचपन से दूसरा का गांड मारते आ रहे हैं। फिर ऐसा क्या है तुम में समझ शंकर, कि कोई लड़की तुम्हारे प्रेम को रेसिप्रोकेट करेगी? मतलब यू कैन सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट। हमारे पास एक सेकंड, अल्टरनेटिव स्कूल ना, एक सेकंड, हमको बस क्या निकाल रहे हो भाई तुम, देखो बस। अरे दिमाग चलाओ, फोन क्या चला रहे हो? हाँ ये देखा जा रहा, क्या ये साले? अरे तुम हो, दसवीं कक्षा में, क्यों पहचान नहीं पा रहे हो? अब तुम बताओ साला, क्या इसे प्रेम पाने का हक नहीं है? अरे देखो ना, गौर से देखो, है क्या इसे भी सारी जिंदगी तुम कहा कहते, सकल कैपिटल, औकात कैपिटल और अच्छा आदमी कोटा के भरोसे जीना पड़ेगा है? अब कुआरे तो तुम भी हो ना भाई, जिले में जो अकाल पड़ा है, भुखमरी का एहसास तो तुमको भी हो रहा होगा। हो रहा है ना? हो तो रहा है, है? अब तुम साला अपने दोस्त की बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, बताओ। दिखाओ साला क्या मैसेज भेजी थी नौटंकी। यही हुई ना बात साले, यही हुई ना बात, रुको दिखाते हैं तुमको। बे तुम कपड़ा भी नहीं सुखाते हो यार, ये भी हम ही को करना पड़ेगा। अबे देख के तो जाओ। बे यार रुको साला, तुम कितना काम करेंगे यार हम। ओए मिल गया, पे अटेंशन। हा तो लिखती है, ऑफ टू मैक्लोडगंज विथ फैमिली फॉर द वीकेंड, वुड सर्टेनली पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ विद लव लॉन बेंटर। अपना चलता है थोड़ा, बताएंगे। फिर लिखती है, सी यू सून, और भेजती है एक तो हार्ट इमोजी। देखो भाई, ये हार्ट इमोजी तो क्लियर कट 420 का खेला है। ये हार्ट इमोजी, हार्ट के अंदर का तीर इमोजी, बंदर इमोजी, शर्माता हुआ बंदर इमोजी, ये सब एक्चुअली खतरा का संकेत होता है कि आगे खाई है, कहीं कूद ना जाना चूतियों टाइप। हम कुछ बोले ना, बिठानी है तुमको पंचायत यहाँ पे। तुमको कौन रोक सकता है भाई, बोलो बिठानी है तो साला कुर्सी उर्सी ले आते हैं। हमको इजहार नहीं करना है भाई, कहा है कि हमको साला नो मीन्स नो सुनने का बहुत अवसर मिल चुका है, और बेइज्जती नहीं कराना चाहते हम तो साला। ये नाम भी बेइज्जती सेफ की है, देखो, देख रहे हो? तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम कोनो रास्ता बताओ कि लौंडिया तक बात पहुंच जाए। तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। पर भाई प्यार करने का भी तो कोई कारण होगा ना, मतलब क्यों अच्छी लगती है, मतलब वो तो बताओ। का बुढ़ाओ जैसी बातें कर रहे हो बे, इस उम्र में काहे लगती अच्छी है? मतलब तुम्हारी हफसी आंखों ने अगर वो छोड़कर भी कुछ देखा हो, मतलब कोई क्वालिटी, नहीं तो कोई गुण। गुण बोलो ना, गुण तो बहुत है उसमें, सर्वगुण संपन्न है एकदम। अच्छा बताना शुरू किया तो सारा खत्म ही नहीं होगा। नहीं नहीं तुम शुरू तो करो, खत्म हम करवा देंगे।
उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो भाई जो लड़की है ना, हमेशा क्लास में घुसने से पहले हमको एक मैसेज भेजती है, हमेशा। ये क्यूटनेस वाला चुतियापा नहीं करती लड़की लोग हैं। कैन आई एंटर द क्लास, इज द टीचर टू एंग्री, आई होप आई एम नॉट टू लेट, ओह यू गॉट अ न्यू हेयर कट, लुकिंग डैपर, मतलब समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना। तुमको तो सारा पता हमारी शक्ल कैसी है, कैसे दिखते हैं, हमको ये सब सुनने का कहाँ आदत है। नहीं तो इतना में पढ़ गए तुम। अरे नहीं भाई आगे तो सुनो, इस लड़की का ना लिटरेचर पर बड़ा गजब कमांड रहा है भाई, मतलब पूरा दिन हम दोनों के बीच सिर्फ लिटरेचर पर बातचीत। हम कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो बोलती है पाब्लो नेरुडा। हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद, वो कहती है जेन ऑस्टिन। हम सुनाते हैं कविता, वो पटक के सुना देती है सोनेट। मतलब जुगलबंदी देख रहे हो ना भाई, हैं जुगलबंदी देख रहे हो, तालमेल बैठा है पूरा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। 16 आना बिहारी हो ना तुम, बस साले केमिस्ट्री में भी ज्योमेट्री घुसा रहे हो। अरे काहे नहीं घुसाएंगे भाई, मैथ्स तो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, तुम तो जानते ही हो, हैं कैलकुलेशन में चूकता नहीं है। अच्छा अच्छा समझे, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, तुमको एग्जाम्पल देते हैं। हाँ तो एक बार हमको बुलाए प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पे। अब हम वहाँ गए, उससे मिले और वही एक खत्म हो गए। अच्छा कहाँ जन्नत लग रही थी बे, ऐसे नीला रंग का सॉल हो रही थी, कान में वो दिल्ली हाथ का झुमका और चेहरे में असीम घबराहट। हम भी साला साइड एंगल्स उसके वो झूलते हुए बालों को देखे और वही एक खड़े हो गए। क्या बात करो, खड़े हो गए फिर साले छुपाए कैसे? भैनचोद भाभी है तुम्हारी, खड़े हो गए मतलब रुक गए, स्तब्ध हो गए। अच्छा अच्छा वैसे। हाँ फिर पूरा फिल्मी माहौल बना हुआ था, हम उसको देख रहे थे, वो हमको देख रही थी, फिर वो ऐसा 90 डिग्री घूमी और झट से आके हमारे गले लग गई बे। अच्छा और गले लग के पता है क्या बोली? क्या बोली? बोली आई एम सॉरी ना, आई मेड यू वॉक, प्लीज डोंट स्कोल्ड मी टू मच। भाई उस एक सेकंड हमको ऐसा लगा जैसे कहाँ है हम, क्या ये सब प्रगति मैदान मेट्रो, कौन सा गेट नंबर 2, कौन सा गेट नंबर 3, हमको तो अपना सब कुछ मिल ही चुका है, हमको इन सबसे कहाँ लेना देना बताओ तुम। अब तो बस माँ बाप के आशीर्वाद से शादी, हनीमून, 2 बच्चे और एक सुखद गृहस्थ जीवन का निर्माण, और जिंदगी में क्या चाहिए, चाहिए कुछ बताओ? नहीं नहीं चाहिए। अबे सुनो, कपड़ा टांगने वाला क्लिप ले आते हैं मार्केट से, हम कहते हैं परसों चड्डी उड़ गया हमारा तूफान में। यार कैसा झाटू इंसान है भाई तुम, साला हम यहाँ अपना दास्तान इश्क सुना रहे और तुमको साला चड्डी याद आ रहा है। यार पापा लाए थे यार कलकत्ता से, काफी यादें जुड़ी हैं, तुम नहीं समझोगे यार। तो पापा लाए थे तो पापा थोड़ी ना पहनेंगे, तुम पहनोगे ना, फालतू का सेंटी चोद रहे हो। भोसड़ी के तब से सुन रहे ना तुम्हारी ये साला बी ग्रेड लव स्टोरी। ए भाई ये बी ग्रेड मत बोलना, बहुत करीब है हमारे वो। अरे करीब है साला, घंटा करीब है। तो हम कह रहे थे कि यही है हमारा फ्यूचर अर्धांगिनी। देखो भाई तुमको ना एक बीमारी हो गया है जिसे कहते हैं रोमियो सिंड्रोम, अनरिक्वाइटेड लव से तुमको आने लगा है मजा, और ये फालतू की बातों को तुम कर रहे हो ओवर ड्रामेटाइज। तो आफ्टर हैविंग हर्ड दिस नेवर एंडिंग रेंट, तुम्हारी जो महाभारत है हमको बस एक ही बात समझ आ रहा है, गेट ओवर इट। एक लड़की को अपना जन्नत बना के चलोगे ना बेटा तो जिंदगी में कई बार जहन्नुम से भी गुजरना पड़ सकता है, समझ लो ये बात। मैं तो कहता हूँ एक ही बार में बोल बाल के ख़त्म कर दो ये एपिसोड साला। या नहीं तो अपने इस मगज को कोई दूसरा खिलौना दो यार खेलने को। पता है भाई हम लोग के कॉलेज में ना 12:30 के बाद क्लासेस नहीं लगती थर्ड ईयर में। ए भगवान तुम फिर चुरू हो गए बेटी चोर। सुनो ना यार, और हम लोग भी क्लासेस खत्म होने के बाद तुरंत घर नहीं जाते। हमको याद है छुट्टियों से पहले वो जो कॉलेज का आखिरी दिन था ना, उसमें फिर हम और वो अपने मैंडेटरी वॉक पे निकले हुए थे। हम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे, पता नहीं हमको कहा हम एक सवाल पूछ गए, मैं सोचा नहीं पूछ दिए कि ढाबे पे एक गिलास चाय पी सकते हैं क्या। वो बताएगा कि वो तुरंत अपना घड़ी की तरफ देखी, चेहरे पे ऐसा घबरा जाया शकल बनाई और बोली व्हाई नॉट, वन कप शुडंट हर्ट एनीवन। तुमको कसम से बता रहे हैं चाय पीने का एकदम मन नहीं था सही में, लेकिन इतना पता था कि जो वॉक है
ये यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बस चलती जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है यार, सामने गेट दिख रहा था और समय भी साला रेत की तरह हाथ से फिसला जा रहा था। अब हम दोनों क्या करते, हम दोनों ने अपना कप उठाया और गेट की तरफ चल दिए। उसे दिमाग भी नहीं चले थे यार। खैर छोड़ो, हमको क्या करना है। अबे फिर क्या हुआ? फिर क्या, रोज की तरह एक कस्टमरी गुड बाय होता है, उसके बाद एक कस्टमरी हग होता है, जो कि ना ज्यादा लंबा होता है और ना ही ज्यादा छोटा। अच्छा, अब इतना लंबा भी नहीं होता कि देखने वाला सोचने मजबूर हो जाए, और इतना छोटा भी नहीं कि देख के लगे साला कुछ हो ही ना। तो हम बस ये सब सोचते रहते हैं और वो फट से चढ़ जाती है अपनी रिक्शा में। चढ़ के पता क्या बोलती है? क्या बोलती है? बोलती है भैया विश्वविद्यालय लेना। बार्गेनिंग नहीं करती लड़की भाई, बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करती है। बहुत पैसा होगा, बहुत बहुत, कहा पता है। घर जमाई बन जाओ तुम यार। कहा बोले बे, चुपचाप सुन नहीं सकते तुम? अच्छा सुनाओ सुनाओ, मजाक कर। तो हम सोच रहे थे ये सब, चढ़ जाते ई रिक्शा में और जाते जाते हमको बोलती सी यू टुमारो। अब हम भी सारा चलते चलते सोच रहा है, कल तो छुट्टी है बहनचोद। करेक्ट, काहे बुला रही है? तो बस वो रिक्शा में आगे आगे जाती रहती है और हम पीछे लोड़ू की तरह हाथ हिलाते रहते हैं। एज यूजुअल, यही है हमारी दास्तान। वो गई थी ना लव लॉन बेंटर, यही है उसका नाटकीय रूपांतर। और तुम कहते हो साला गेट ओवर इट। भाई मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि जो तुम फील कर रहे हो वो सब बकवास है। कहाँ चल दिए? अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि व्हाट्सएप मैसेज लिखते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुमको क्या लगता है, तुम उसको मीठी मीठी बातें लिखते रहोगे और वो तुमको भैया से शौहर बना लेगी? भाई ये तो नहीं होता ना भाई, बात को समझो तुम। अबे कहाँ जा रहे हो भाई, सुन तो लो। क्या हो गया रोमियो? भाई ये रिलेशनशिप भी ना साला चड्डी जैसा है। पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन ना पहनो तो साला खाली खाली लगता है। अच्छा ये मैक्लोडगंज जानी थी ना लड़की? जहाँ भी जाए यार, हमको क्या करना है। What better way to flight the drudgery of routine than to bask in the ebullience of the mountains? Alas, my euphoria is private presently. Wish I could accommodate another. भी गान फाड़ अंग्रेजी तो सुना सुना लग रहा है। काहे कि तुम्हारे अम्मा भी ऐसा ही लिखा करती थी हमको। क्या बकवास कर रहे हमको दो दो। अरे क्या करोगे तुम? हमको दो ना, हमारा फोन है, तुम दो साले। पढ़ो पढ़ो। काहे? हैं? इतना सारा अंग्रेजी घुसेड़ दिया बताओ तुम? सीधा सीधा भी तो कह सकती है कि पहाड़ गई है, मजा आ रहा है, बर्फ गिर रहा है। इतना सारा सब का तरकारी बना डाली, देखो तो क्या रिप्लाई करेंगे हम इसमें? वैसे मनाली के लिए एक मैसेज रेडी रखा था हमारे पास, चाहो तो वो चेप सकते हो। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कौन रहता मनाली में? बेटा 21 के ना, केवल तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में, हम भी अंदर से 45 के फील करते हैं। अच्छा। इसीलिए सलाह दे रहे थे। मतलब तुम्हारा भी कटा है रिसेंटली? और क्या साले, देखोगे मैसेज? अरे दिखाओ ना क्या है। हम बोल ही रहे थे तुमको साले।